चैप्टर नंबर 15 है हमारा एसोसिएशन, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन हम करते हैं मल्टीनोमियल पॉपुलेशन की। व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन इज असाइन टू वन एंड ओनली वन ऑफ मोर देन टू एट्रीब्यूट कैटेगरीज, द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। मल्टीनोमियल पॉपुलेशन है कि जब हर कोई एलिमेंट पॉपुलेशन का उसके अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट कैटेगरीज होंगी तो उसे हम कहेंगे मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट होता है क्वालिटी वाइज, जैसे किसी की आई कलर, हेयर कलर, किसी की ब्यूटी, ये सारे क्या हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक विच वेरियस ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूट। वो कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ क्वालिटी वाइज आप उसको जज कर रहे हो हर इंडिविजुअल में, तो वो क्या है एट्रीब्यूट या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल। एग्जाम्पल्स क्या हैं, मैरिटल स्टेटस कि शादीशुदा कितने हैं, डिवोर्स्ड कितने हैं, सिंगल कितने हैं, एजुकेशन लेवल, ब्लाइंडनेस, स्मोकिंग, रिचनेस, ब्यूटी एक्सेट्रा। जो भी क्वालिटी वाइज आप वेरिएबल को जज कर रहे हो उसे कहेंगे क्वालिटेटिव वेरिएबल और फिर एट्रीब्यूट। क्लास एंड क्लास फ्रीक्वेंसी। अ क्लास इज अ सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच आर शेयरिंग अ गिवन कैरेक्टरिस्टिक। क्लास क्या होगी कि तमाम, जैसे फीमेल की एक क्लास है तो उसके अंदर तमाम फीमेल्स हैं, कि आपने एक क्वालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक वाइज सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास। क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, वो तमाम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि एक कॉमन क्लास में शेयर कर रहे हैं। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि स्टूडेंट रोल नंबर 602 क्लास में कितने टाइम आया, 603 क्लास में कितने टाइम आया, तो उसे कहेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं कि उन दोनों के दरमियान में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उसके ओपोजिट हो, कि एक अगर कह रहा है कि वो प्रेजेंट है तो दूसरा क्या हो एबसेंट। अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑब्जेक्ट्स डू और डू नॉट पोसेस अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। क्लासिफिकेशन आपने किस तरह है कि दो डिस्टिंग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में आपने ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर देना है, डिवाइड कर देना है कि वो उनके अंदर ये खसूसियत है या नहीं है। कि आपने जितनी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर आएंगे जिनके हेयर कलर ब्लैक है और दूसरी क्लास में वो आएंगे जिनके हेयर कलर ब्लैक नहीं है, उसके अगेंस्ट है ब्राउन है, जिस तरह के भी हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस इज कॉल्ड डाइकोटोमी। इस किस्म के जब आप दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्लासीफाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट्स को, उसे कहेंगे डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब दो क्लासेस में क्लासीफाई किया जाए। जैसे मैंने कहा, एक हेयर कलर ब्लैक वाले और दूसरे आ जाएंगे जिनका हेयर कलर ब्लैक ना हो। नेक्स्ट पेज पे आए, उसने नोटेशंस और टर्मिनोलॉजी बताई है जो कि हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। उसने कहा दी एट्रीब्यूट्स डिनोटेड बाय ए बी आर कॉल्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। जो भी कैपिटल लेटर्स से डिनोट होंगे, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स से, उसे कहेंगे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब उनके अंदर ये खसूसियत है। जैसे मैंने कहा, अगर आप हेयर कलर की बात कर रहे हो तो ये यहाँ पर वो आएँगे जिनका हेयर कलर ब्लैक है। एंड देयर कॉन्ट्रेरियस डिनोटेड बाई अल्फ़ा बीटा आर कॉल्ड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। और जितने ग्रीक लेटर्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इन ये सब क्या कहेंगे नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का मतलब उन तमाम के अंदर ये खसूसियत नहीं है, उनका हेयर कलर ब्लैक नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा है। थस द क्लासेस ए बी एंड ए बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड पॉजिटिव क्लासेस। अब जिनके अंदर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे ए बी, या इंटरेक्शन ए बी आ रही होगी, उसे कहेंगे पॉजिटिव क्लासेस। द क्लासेस अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा बीटा कम्बाइन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड नेगेटिव क्लासेस। और जिसके अंदर ग्रीक लेटर्स आ रहे होंगे, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे होंगे, उसे कहेंगे नेगेटिव क्लासेस। एंड